मैं हूं बिन्यामिन फ्रॉम फ्रंटियर एंटरप्राइजेस। आज हम आपके लिए अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आए हैं एक और यूके के ब्रांड कुकवर्क्स की ब्लैक प्लास्टिक एंड ग्रे प्लास्टिक एल्यूमिनेटिंग कैटल्स। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको इसकी पहले बॉक्स की लुक दिखा रहा हूँ। सारी कुकवर्क के ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है, बॉक्स पे नीचे आप देख सकते हैं इसमें दो कलर्स हैं। मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर आप ये प्लास्टिक की पूरी बनी होगी कैटल, बट अंदर रॉड वाला सिस्टम नहीं है। दूसरा 1.7 लीटर इसकी कैपेसिटी है, और उसके अलावा इसमें ये वाला कलर भी आप देख सकते हैं, ये ग्रे कलर भी इसमें हमारे पास अवेलेबल है। और इन दोनों की हम बेसिकली अभी करेंगे अनबॉक्सिंग। बॉक्स की अगर हम इस तरफ देखें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपने ये इसकी बेस में स्विचिंग लगी हुई है, बेस के ऊपर कैटल के अंदर ही बॉयल ड्राई ऑटो स्विच शट ऑफ इसके अंदर सिस्टम दिया हुआ है। नीचे आप यहाँ पे देखें जो स्टाइलिश स्टेनलेस स्टील की इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिम दी हुई है सारी। इस तरफ आप आके देखें तो इल्यूमिनेटेड वाटर लेवल इंडिकेटर दिया हुआ है, इसके अंदर ब्लू रंग की लाइट भी जल रही होगी, और इसके अंदर इंडिकेशन सारी दी हुई है कितने कप यहाँ तक 1.7 लीटर मैक्स तक आ रहा है। ज़्यादा बड़ी इसकी वीडियो नहीं बनाएंगे, जल्दी जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोनों अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। यह है जी हमारी दोनों कैटल्स की फर्स्ट लुक। थोड़ी सी पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये देखें जी हमारी इसकी प्लास्टिक की बॉडी दी हुई है सारी, सामने इन्होंने व्यूइंग विंडो दी हुई है जिसके ऊपर इंडिकेटर्स भी लगे हुए हैं 0.5 लीटर, 0.75, 1 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 और 1.7 पे मैक्स हो जाती है ये। नीचे आप देखें तो यहाँ पे क्रोम की ये ट्रिमिंग है इसकी, और सब बीच में इसकी ब्रांडिंग भी हुई हुई है कुकवर्क्स की आप देख सकते हैं, और उसको रोटेट हम हर साइड से करते हैं। तो ये इसका बैक पे देख सकते हैं, ये इसका स्विचिंग दी हुई है ऑन ऑफ की, और जब पानी बॉयल होगा तो ये ऑटो शट ऑफ भी होगी। बैक पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैरी हैंडल दिया हुआ है, इसको आप कैरी भी कर सकते हैं इस हैंडल से ब्लैक, ये भी प्लास्टिक मटेरियल के अंदर दिया हुआ है। टॉप पे आप देखें तो ये बटन है इसकी लिड ओपन करने के लिए। अगर मैं आपको अंदर से व्यू कराऊँ इसका बॉटम, बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से नवैर नीचे इसकी जो बेस है वो सारी की सारी बेस जो है प्लेन है स्टेनलेस स्टील की, इसके अंदर वो रॉड नहीं घुमा हुआ। और इसको ओपन करते हैं तो इस नीचे ये भी देख सकते हैं ये इसका स्टेनर दिया हुआ है, अब बल्कि आपको बेहतर नज़र आएगी ये। और अभी इसको प्लग इन भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा बॉक्स के अंदर से हमारे पास जो चीज़ निकली है वो है इसकी बुकलेट, एक आपको मिलेगी जिसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन मैनुअल दी हुई है। ये इसकी एक मैं 360 इसकी भी आपको लुक दिखा दूँ। दो कलर्स हैं इसके अंदर, एक इसके अंदर लाइट ग्रे कलर है और एक जो है इसके अंदर वो हमारा ब्लैक जो ऑलवेज कलर है वो इसके अंदर भी अवेलेबल है। ब्लैक कलर बेसिकली जो है वो आपका हर किस्म के जो आपके किचन की थीम होगी उसके साथ चल जाएगा। ग्रे कलर जिनके लाइट कलर्स की थीम है वो उसके साथ ग्रे भी चल जाएगा। और अभी इसको ऑन करते हैं जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी अगली डिटेल। अच्छा जी, हमने इसको ब्लैक वाली को प्लग इन कर लिया, और प्लग इन करने से पहले आपको बताऊँ ये बेस है, जस्ट बेस के ऊपर आपने प्लेस करना होता है इसको और ऑन कर लेना। हमने प्लग इन कर चुके हैं, ये इसके बैक पे ट्रांसपेरेंट एक बटन दिया हुआ है। इसको नीचे करेंगे तो ये देखें ब्लू कलर की आपको बहुत ही खूबसूरत लाइट नज़र आएगी, और वही ब्लू लाइट के देखें आपकी पूरी व्यूइंग विंडो जो आपकी है इसकी, आपको वाटर लेवल जहाँ पे शो होना है उसमें भी आपकी ब्लू लाइट जलेगी। इस टाइम कैटल ऑन है हमारी, और मैं आपको अंदर भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। वो देखें ब्लू लाइट लगी हुई है, और नीचे भी आप बेस में देख सकते हैं अभी पानी गर्म होना स्टार्ट हो चुका है, और बबल्स वो देखें बबल स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जैक्ट टाइम आपको बताता हूँ कितनी देर में बॉइल करती है ये, 30 सेकंड गुजर चुके हैं, और अभी आपको दिखाता हूँ अंदर के हालात क्या है। फॉग देख सकते हैं आप, फॉग फुल बन रही है और बॉइलिंग हो रही है। अगर आपने देखना है यहाँ पे देख सकते हैं आपने पानी बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है हमारा, इसकी साउंड भी सुन सकते हैं, और ऊपर से आप देख सकते हैं स्मोक निकल रही है। एग्जैक्ट तकरीबन इसने ये बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, और अभी ये ऑटो शट ऑफ होगी। इसने तकरीबन लिया है, हमने 3 कप इसके अंदर पानी डाला था, और इसने तकरीबन लिया है हमारा 1 मिनट और 20 सेकेंड ऑलमोस्ट लिए हैं इसने बॉयल होने में, और अब ये ऑटो शट ऑफ भी खुद ही होगा। ये इसके अंदर ऑटो शट ऑफ फीचर दिया हुआ है, ये देखें ऑटो शट ऑफ हो चुका है और इसकी लाइट ऑफ हो चुकी हुई है।
अब बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल है, शाइनी मटेरियल दिया हुआ है इसके अंदर, प्लास्टिक का ऊपर कैप मैट फिनिश के अंदर है। प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी दी हुई है इसके अंदर। और ये थी जी हमारी वीडियो कुकवर्क्स की, प्लास्टिक इल्यूमिनेटिंग कैटल की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आगे फर्दर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।